अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं मेकअप। जो भी मेरे पाउच में है इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी। एंड इसे मैं अपने फेस पे लगाऊंगी इस तरह से। पता नहीं मैं क्यों हंस रही हूँ, मुझे खुद नहीं पता। काफ़ी ज़्यादा ये गोरा दिखा रहा है मुझे। एनीवेज तो मैं बहुत ज़्यादा प्लास्टिक लग रही हूँ इस वक्त। मेरे हाथ चेक करिए और मेरा फेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। एनीवेज तो मैं यूज़ करूँगी नार्स की लिपस्टिक जो कि मैंने सिफोरा से ली है। इट्स कलर पीच, मे बी, आई एम नॉट श्योर। या तो इसे मैं एज अ आई शेडो यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे आई शेडो मिल नहीं रहा था तो मैंने यही लगा लिया। इट्स फाइन इफ यू डोंट हैव आई शेडो। सो मैं वैसे लिपस्टिक ही लगाती हूँ यार आईज़ पे, अगर मेरे पास आई शेडो ना हो तो। एंड मैं ब्रश से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। इस तरह से आप क्या देख रहे हैं हमें। मैं बहुत ज़्यादा बकवास कर रही हूँ। सो सबसे मुश्किल पार्ट जो है वो आईलाइनर का है क्योंकि मुझे आईलाइनर सही से लगाना नहीं आता। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा सा लग जाए आईलाइनर, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट। तो ट्राई करूँगी कि अच्छा सा लग जाए दोनों आँखों पे बराबर। तो इस तरह से मैं थोड़ा थोड़ा लाइक मैं आई थिंक मैं कॉर्नर पे लगाऊँगी तो बहुत। सो अब मैं यूज़ करूँगी लॉरियल का मस्कारा। तो ये मैं आईब्रो फिक्सर अपने आईब्रोज पे अप्लाई करूँगी। ये आपको कहीं भी ड्रग स्टोर पे मिल जाएगा। तो इस तरह मैं अपने आईब्रोज को कहले के ब्रश करूँगी। सो जैसे कि आप ये देख रहे हैं शिमरी टाइप आई शेड है। इसको मैं अपने आईब्रोज के नीचे इस तरह से लगाऊंगी। या एंड इसे मैं एज अ हाइलाइटर भी यूज़ कर सकती हूँ। जैसे नोज टिप पे लगाऊंगी, चीक्स पे लगा सकते हैं आप, या मैं थोड़ा अजीब से काम करती हूँ आई नो। लेकिन ये बहुत अच्छा लगता है। इसको मैं उंगलियों से ब्लेंड कर लूँगी इस तरह से। ये मेरी पुरानी बाबा आदम के ज़माने की लिपस्टिक है जो कि मुझे बहुत पसंद है और मैं एज इसको लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। एंड इसे मैं फिल कर लूँगी फिर नार्स की लिपस्टिक से जो कि मैंने आई शेडो भी एज यूज़ किया था। सो या तो ये था गाइस मेरा रेगुलर मेकअप जो कि मैं अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ करती हूँ, सिंपल मेकअप। एंड आई होप यू लाइक इट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़। दुआ में रखें। बाय बाय।